A very good morning all of you. Today we will discuss about combination of cells. Combination kyun aavashyak hota hai cell ka, and how many type of combination of cells? There are two types of combination of cells: series combination of cells and parallel combination of cells. And other than एक और कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना। तो आप देर आर थ्री टाइप्स आप बोल सकते हैं कि सेलों का जो संयोजन है वो कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का है: श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड। ठीक है, तो पहले हम चर्चा कर लें कि जो सेलों का संयोजन है, आखिर सेलों के संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हमको सेलों को क्या करना पड़ता है, आपस में जोड़ना पड़ता है, है ना। इस पर थोड़ी सी क्या कर ले, हम पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो सेलों का संयोजन क्यों आवश्यक है। देखो, एक सेल में आपके पास में कम वोल्टेज होता है उसका, और कम ही उसके कारण क्या होती है, धारा बहती है, है ना। जैसे शुष्क सेल, ठीक, उसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है, और उसमें धारा बहुत, जब वोल्टेज ही कम है तो धारा भी क्या होगी, कम ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर क्या करें, हम एक से ज़्यादा क्या कर दें सेल को, आपस में क्या कर दें, संयोजित कर दें, तो क्या होगा, उनसे हम क्या कर सकते हैं, उच्च विभवांतर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उच्च विभवांतर प्राप्त होगी, है ना, तो क्या होगी, प्रबल धारा भी क्या हो जाएगी, हमको प्राप्त हो जाएगी। ओम का नियम बोलता है 20% I, जितना ज़्यादा विभवांतर उतनी ज़्यादा धारा, ठीक है ना। तो उच्च विभवांतर और प्रबल धारा अगर हमको प्राप्त करना है, तो केवल हम एक सेल से प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको दो या दो से अधिक सेलों को क्या करना पड़ेगा, आपस में संयोजित करना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो संयोजन है वो बैटरी है एक्चुअल में, यानी कि ये आपके पास में सेल है इस तरह से। अब ऐसे सेलों को क्या कर देते हैं, जब आपस में जोड़ देते हैं हम, तो किसका निर्माण हो जाता है, बैटरी का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, बैटरी का। इस तरह से ये बैटरी बनती है, ये बैटरी का सिंबल है। इसमें हमने कितने सेल लगा दिए, एक दो तीन क्या कर दिया हमने, सेल लगा दिया है, ठीक है। तो सेलों को जोड़ने पर क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है, ठीक, इस तरह से होता है। तो बैटरी का सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, कई बार मैं इस तरह से बनाता हूँ बैटरी का सिंबल, किसी में दो सेल, किसी में तीन सेल, है ना। तो सेलों के संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर किसी ने पूछा, तो हम बोलेंगे उच्च विभवांतर तथा प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए हमें सेलों को जोड़ने की, संयोजित करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो अगर हमको किसी ने पूछा कि आवश्यकता क्यों है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आवश्यकता, संयोजन की आवश्यकता क्यों, तो हमको चाहिए उच्च विभवांतर प्लस प्रबल धारा, इसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम सेलों को आपस में संयोजित करते हैं, ठीक है। तो सेलों की संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उच्च विभवांतर तथा प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को आपस में संयोजित किया जाता है, इसे सेलों का संयोजन कहते हैं। फिर मैंने बोला देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, एंड नंबर 3 मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना। लास्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, फिर भी अपन उसको पढ़ेंगे। पहला हम देखते हैं अब सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। पहला सेलों का, सॉरी प्रकार मैंने लिखना भूल गया, पहले प्रकार, प्रकार में पहला है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, श्रेणी क्रम संयोजन। इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं कैसा बनेगा। ये एक सेल, इससे
जुड़ा हुआ दूसरा सेल। अच्छा, और सेल के साथ में क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। क्या होता है सेल का? आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध जब होता है तो उसको भी आपको बनाना पड़ेगा सेल के साथ, तो मैं उसी को बना भी देता हूँ। ये चले जुड़ते जाएंगे ऐसे, ये सेल है, प्लस माइनस दे दीजिए आप। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो कैपिटल ई है, तो सब में कैपिटल ई लिख दीजिए। प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर है, स्मॉल आर दे दीजिए। ठीक है, और ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो इस ए और बी के मध्य आप क्या करिए, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के कर देंगे हम यहां पर संयोजित कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका डायग्राम हो जाएगा। डायग्राम कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है यहां, डायग्राम आपका सुंदर सुशील और सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, ताकि जांचने वाले को ऐसा न लगे कि जैसे तुम लोग दिखते हो चित्र भी वैसे दिख रहा है ना जी। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, इसको बना दिया। सेल के कारण धारा जब बहेगी, क्योंकि आपने जोड़े हो इसको, तो क्योंकि प्लस इस तरफ है सेल का, तो धारा इस तरफ से ऐसी बहेगी, ये धारा आई ऐसी बहते हुए फिर से इस तरफ, ये हो जाएगा आई। क्लियर हो गई बात, है ना? कैसे बनाया हो आपने चित्रानुसार, विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर वाले कितने सेल, कितने सेलों का, एन सेल, कितने सेलों का, एन सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन प्रदर्शित है, जिसमें प्रथम सेल की ऋणात्मक प्लेट को, सेल की प्रथम और द्वितीय इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, सेल के सिरे भी बोलते हैं, सेल की प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, सिरे बोलो, इलेक्ट्रोड बोलो, प्लेट बोलो, प्रथम सिरा, प्रथम इलेक्ट्रोड, सॉरी धनात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक प्लेट, धनात्मक सिरा, वैसे ऋणात्मक प्लेट, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बोलो या ऋणात्मक सिरा बोलो। ठीक है, बात एक ही है, तो मैं प्लेट शब्द का यूज कर रहा हूँ, प्रथम प्लेट मतलब धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट। ठीक है, आप धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा भी बोल सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। ठीक है, तो यह हो गया आपके पास में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चित्रानुसार विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर वाले एन सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन प्रदर्शित है, जिसमें प्रथम सेल की ऋणात्मक प्लेट को अगले सेल की धनात्मक प्लेट से संयोजित कर दिया गया है तथा यह क्रम चलते रहता है। प्रथम सेल की धनात्मक प्लेट तथा अंतिम सेल की ऋणात्मक प्लेट को के मध्य क्या कर दिया गया है, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर संयोजित कर दिया गया है। माना कि प्रतिरोध आर में से प्रवाहित कुल धारा आई है, तब बताइए कोई डाउट है इसमें, एक बार फिर से देखें, है ना? क्या लिखेंगे, क्या किया आपने, रफली देखो, आपने जो पहला सेल है आपने देख, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर है। सेल की संख्या कितनी है, एन है। इन सेलों को कैसे जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है, आपने पहले सेल की जो ऋणात्मक प्लेट है, माइनस वाला पॉइंट है, उसको अगले सेल की प्लस वाले पॉइंट से जुड़ा है। मतलब पहले सेल की ऋणात्मक प्लेट को या ऋणात्मक सिरे को अगले सेल के धनात्मक सिरे से क्या किया है, संयोजित किया है। देखिए माइनस से प्लस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पहले सेल की जो ऋणात्मक प्लेट है अगले सेल की धनात्मक प्लेट से जुड़ी हुई है, और यही क्रम क्या होता रहा है,
चलते रहा। और फिर सेल की जो धनात्मक प्लेट है, प्रथम सेल की धनात्मक प्लेट और अंतिम वाले सेल की जो ऋणात्मक प्लेट है, उसको क्या कर दिया आपने, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। तो कोई दिक्कत बोलिए, है क्या, नहीं है, राइट? आगे सब लोग 29, अभी भी कम है, दो लोग। अब क्या होगा, फिर से बोल रहा हूं मैं, देखो चित्रानुसार विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर वाले एन सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन प्रदर्शित है, जिसमें प्रथम सेल की ऋणात्मक प्लेट को अगले सेल की धनात्मक प्लेट से संयोजित कर दिया गया है तथा यह क्रम चलते रहता है। प्रथम सेल की धनात्मक प्लेट तथा अंतिम सेल की ऋणात्मक प्लेट के मध्य एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर संयोजित कर दिया गया है। माना कि प्रतिरोध आर में से प्रवाहित कुल धारा आई है, तब से क्या करेंगे हम, डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। बढ़े हम आगे, ऐसा लो, चलिए तब संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, है ना, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू, देखिए पहले सेल का विद्युत वाहक बल। अब मुझे ये बताइए, विद्युत वाहक बल क्या होता है एक प्रकार का, बोलिए विद्युत वाहक बल क्या होता है एक प्रकार का, विभवांतर होता है। और आप लोगों ने संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था, मुझे बताइए श्रेणी क्रम संयोजन में जो विभवांतर होता है वो कैसा होता है, जुड़ता है ना, आपको याद होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V3, ऐसा किया था आपने। तो श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होता है, आपस में जुड़ता है, है ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस VN किया था आपने। तो भाई ये भी तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, और विद्युत वाहक बल भी एक प्रकार का विभवांतर है, तो भाई ये भी तो क्या होगा, सब आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, क्लियर दैट, क्योंकि ये भी विभवांतर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा कि नहीं होगा, यस आर नो, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, बिल्कुल। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो इस तरह से जुड़ेंगे, E प्लस E प्लस E प्लस डे डे डिस प्लस E, और कितने बार जुड़ेंगे बताइए, कितने बार जुड़ेंगे, N बार जुड़ेंगे, कितने बार जुड़ेंगे, एन बार, मैं एन बार लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 एन लिखा रहता है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। कितने बार जुड़ना है बताइए, एन बार, तो बताइए आप ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन बार जुड़ेंगे तो कितना आएगा, एन ई आ जाएगा, सीधी सी बात है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो क्या होगा, 10 बार जुड़ा तो 10 आएगा, एन बार जुड़ रहा है तो एन ई आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास में एन ई, ठीक है, एन बार जुड़े हो इसलिए एन ई आ जाएगा। ये हो गया कुल विद्युत वाहक बल। अब संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आप बताइए ये जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है ये कैसे जुड़े हुए हैं, आर 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 कैसे जुड़े हैं बताइए, श्रेणी क्रम संयोजन में, है ना, और श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र मैंने क्या बताया था बताओ, प्रतिरोधों का बोलो, बोलिए, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का मैंने सूत्र क्या बताया था, मैंने आपको बोला था प्रतिरोध जो है अगर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, है ना, तो क्या होता है सूत्र, डायरेक्ट होता है सूत्र, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, और अगर प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं,
समांतर में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये वाला सूत्र लगाते हैं, आर इज इक्वल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री वाला, याद आ रहा है? ये बताया गया कि नहीं बताया गया कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो इस तरह से बनेगा और जब समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो इस तरह से होगा। इज इट क्लियर? यस आर नो? तो मुझे बताइए अब ये प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं, आर आर स्मॉल आर कैसे जुड़े हुए हैं बताइए श्रेणी क्रम में, तो कौन सा सूत्र लगाऊंगा, कौन सा सूत्र लगाऊंगा? फर्स्ट वाला, यानी कि सबको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए आप उसको। जब आप इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो क्या होगा देखते हैं, सब जुड़ जाएंगे, आर 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 जोड़िए, आर प्लस आर प्लस आर प्लस डे जे डिस प्लस आर, कितने बार, कितने बार, एन बार, तो फिर से क्या, तो कितना आएगा बताइए, आर प्लस आर फिर से जोड़ोगे आप एन बार, तो कितना आएगा, एन आर आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा एन आर, है ना। अब बताइए, ये तो हो गया, अब मुझे बताइए कि अभी तो केवल हमने संयोजन, अच्छा संयोजन शब्द का मतलब क्या है यहाँ, ये जो संयोजन शब्द लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा का पूरा, इसको बोल रहे हैं संयोजन, है ना, जो हमने श्रेणी क्रम संयोजन किया है पूरा का पूरा परिपथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक, उसको संयोजन बोल रहे हैं। जब इतना हो गया तो अब क्या करेंगे, हम संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालेंगे, अभी तो मैंने कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाला हूं, अब करेंगे हम संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो अब संयोजन का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा बताओ, कुल प्रतिरोध बराबर, भाई दो प्रतिरोध है ना, एक आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध भी तो है कि नहीं, ये तो हो गया कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये निकाल दिया हमने, और ये क्या है बाह्य प्रतिरोध, तो दोनों को क्या करना, कल आपने देखा आंतरिक बाह्य दोनों को जोड़ते हैं जब हम कुल प्रतिरोध निकालते हैं, तो समझ गए, यस आर नो? तो आ जाएगा कुल प्रतिरोध मतलब आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, इज इट क्लियर? हाँ, आंतरिक प्रतिरोध कितना है बताओ, आंतरिक प्रतिरोध कितना निकालें, एनआर प्लस बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर। तो समझ गए आप लोगों को, आपका क्रम समझो क्या निकाला पहले, ऐसे ही करना है आपको अगले बार भी, क्या करना है, पहले संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल निकालना है, फिर संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, फिर संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालना है, अब निकालेंगे कुल धारा। तो पहले कुल विद्युत वाहक बल, फिर कुल आंतरिक प्रतिरोध, फिर कुल प्रतिरोध, फिर कुल धारा, ठीक है। तो अब प्रतिरोध आर में से प्रवाहित कुल धारा, या अब प्रतिरोध आर में से प्रवाहित कुल धारा, और कुल धारा का सूत्र मैंने कल क्या बताया था बताइए, बताओ, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, याद आ रहा है कल का सूत्र, यही था, अरे था कि नहीं, हाँ चलो, कुल धारा हो गई आई, कुल धारा हो गई आई, ठीक है। और हाँ बताइए, कुल कुल विद्युत वाहक बल कितना है, एनी, ये हो गया एनी अपॉन, और कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध एन आर प्लस कैपिटल आर, यही कुल धारा के लिए क्या है, यही कुल धारा के लिए
व्यंजक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, समझ गए? हाँ, अभी तो केवल व्यंजक आया है। क्वेश्चन कैसे आता है? शैलों के श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए तथा बताइए कि यह संयोजन कब लाभकारी होता है या कब लाभप्रद होता है। तो इसके भी दो कंडीशंस होगी, है ना? और दो कंडीशन को क्या करेंगे, हम उसको देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि हमारे लिए कौन सा किस कब से लाभकारी होगा यह संयोजन, है ना? कि क्वेश्चन केवल इतना सा नहीं पूछेगा कि कुल धारा के लिए व्यंजक बताइए, ऐसा पूछता है कि सेलों के श्रेणी क्रम को संयोजन सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए तथा कुल धारा के लिए व्यंजक बताइए तथा बताइए कि यह संयोजन कब लाभकारी होता है। तो अभी हम लाभकारी वाले पर पहुंचे नहीं है। तो समझ में आया करना क्या है, समझ में आया क्या? पहले आपको कुल विद्युत वाहक बल निकालना है संयोजन का, फिर आपको संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, फिर संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालना है, फिर कुल धारा निकालना है। क्लियर होगी बात? क्रम याद रहेगा, ठीक है? तो देखते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट, है ना? यदि स्मॉल r इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल r, तब, मतलब जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, एक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है आपका स्मॉल r, वो स्मॉल r बहुत छोटा है किससे? बाह्य प्रतिरोध से, कैपिटल r से, जो नीचे में लगा हुआ था बाह्य प्रतिरोध, उससे क्या है, बहुत छोटा है। तो बताइए कौन नगण्य होगा, किसको नगण्य लिखेंगे? स्मॉल r को, भाई जो बहुत छोटा है उसी को तो नगण्य लिखेंगे। r इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल r, मतलब r का मान बहुत छोटा है, तो r को क्या कर लेंगे, नगण्य लिख देंगे। तब r इज इक्वल टू हो जाएगा नगण्य, और नगण्य मतलब क्या करेंगे, उसको जीरो करेंगे, तो यहां मान रख देंगे इस जगह पर। तो इसलिए i इज इक्वल टू एन ई अपॉन r का मान जीरो हो गया, r को नगण्य माने तो ये जीरो हो गया पूरा पद, तो क्या बचा, केवल कैपिटल r बचा, बचा कि नहीं? यस आर नो? आज 29 के 29 ही है। अब इसको और मैं थोड़ा सा देखो कैसे लिखता हूं, i इज इक्वल टू ये n लिखा और इन टू ई अपॉन आर लिखा, चलेगा? देखेगा चलेगा कि नहीं चलेगा? अब मुझे ये बताइए n इन टू, अब ये जो e अपॉन आर है ये क्या चीज है, बताओ e अपॉन आर क्या है? e अपॉन आर बोलिए, देखो भाई अगर मान के चलो ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमने शून्य मान ही लिया है, नगण्य मान दिया, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध हम बनाते ही नहीं है, और हमने एक बाह्य प्रतिरोध बना दिया, ठीक, आंतरिक प्रतिरोध था लेकिन r बराबर जीरो हो गया अभी, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक, तो अब ये बाह्य प्रतिरोध है, अब इसका विद्युत वाहक बल है ई, है ना, और ये धारा बह रही है। तो मुझे बताइए यहाँ पर ई अपन आर क्या होगा, ओम के नियम से क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर आई होता है, तो वी नहीं है अभी, क्या है, ई है, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, आर आई होगा, तो आई इज इक्वल टू कितना होगा, ई अपन आर होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि अभी आंतरिक प्रतिरोध का मान तो हो गया जीरो, तो इसको तो छोड़ ही दो, अब केवल इस परिपथ में क्या बचा, एक सेल बचा, एक प्रतिरोध बचा और एक धारा बच गई, ये विद्युत वाहक बल है, ये धारा है, ये सॉरी ये धारा है, ये प्रतिरोध है, तो ओम के नियम से V इज इक्वल टू आर आई के जगह पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई हो जाएगा, और I इज इक्वल टू हो जाएगा E अपन आर। तो ये क्या है बताइए, ये एक सेल से प्राप्त धारा है कि नहीं, ये I जो है इस सेल से प्राप्त धारा है, यस आर नो है? तो केवल सिंगल सेल से, सिंगल सेल से एक ही सेल लगाया मैंने, तो ये क्या है, I, I इज इक्वल टू ई अपन आर जो लिखा हुआ, ये क्या है, ये एक सेल से क्या है, प्राप्त धारा है, समझ गए? ठीक, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, ई अपन आर के स्थान पे लिखूंगा
एक सेल से प्राप्त धारा जो हमने निकाल के दिखाया अभी, ई अपन आर, मतलब एक सेल से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा समझ गए? तो मुझे बताइए यहां पर क्या हुआ, बताइए क्या हुआ? आपने कितने सेल जुड़े हो? एन सेल जुड़े हो, और आपको देखो कुल धारा जो आई है वो कितना मिला है, एन गुणित एक सेल से प्राप्त धारा। मतलब एक सेल के धारा अगर मान के चलो, एक सेल से मान के चलो आपको 10 मिली एम्पियर की धारा क्या हो रही है, मिल रही है 10 मिली एम्पियर की धारा। तो अगर आप पांच सेल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा, पांच का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कितनी हो गई, 50 मिली एम्पियर की धारा। बात समझ में आ रही है? यस आर नो? ठीक। मतलब एक सेल की, एक सेल से जितनी धारा प्राप्त होगी उसकी एन गुनी, जितने ज्यादा आप सेल लगाएंगे उतनी गुनी क्या हो जाएगी, आपको धारा प्राप्त हो जाएगी। कंडीशन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है। अब देखते हैं कंडीशन नंबर सेकेंड, और फिर मुझे बताना कि कौन सी वाली कंडीशन आपकी लाभकारी है। कंडीशन नंबर सेकेंड कि यदि कैपिटल आर इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर, तब आप बताइए कौन छोटा हो गया, अब कौन छोटा हो गया, कैपिटल आर छोटा हो गया, कैपिटल आर छोटा हो गया है ना, तो आर कैपिटल आर को नगण्य बोलेंगे आप। और इस सूत्र में फिर देखिए आप, इसलिए आई इज इक्वल टू एन ई ऊपर अपॉन, अब ये कैपिटल आर जीरो हो गया तो क्या बचा, एन आर, एन से एन कट गया तो आई बराबर क्या होता है, आया बताइए आप, ई अपॉन आर आया, आया कि नहीं? तो अब मुझे बताइए कि ये जो ई अपॉन आर आया है ये क्या है? हाँ, आई इज इक्वल टू ये हो गई एक सेल से प्राप्त धारा। कैसे? वही जो मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन अभी कंडीशन बदल गई। अभी अब एक सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है, लेकिन बाह्य प्रतिरोध का मान क्या हो चुका है, आर बराबर जीरो हो चुका है। तो अब तो केवल विद्युतवाहक बल ई रहा, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर रहा, धारा आई रही, तो आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये तो गया, ये तो है ही नहीं है। जब ये है ही नहीं तो सिर्फ ई अपान क्या बचेगा, आर भर बचेगा, ई और आर, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेल से प्राप्त धारा। क्लियर? तो अब बताइए मुझे, पहली कंडीशन में मिल रहा है एक सेल से प्राप्त धारा की एन गुनी धारा, और दूसरी कंडीशन में मिल रहा है एक सेल से प्राप्त धारा, मतलब हमने इतने सारे सेल लगाए उसको लगाने के बाद में भी हमको क्या मिला, एक सेल से प्राप्त धारा। तो कौन सी कंडीशन अच्छी है, हैं? पहली के दूसरी? भाई दस सेल लगाने के बाद भी हमको अगर एक ही सेल से प्राप्त धारा मिल रही है तो क्या मतलब ऐसा संयोजन का, ऐसे संयोजन को तो तोड़ देना चाहिए, हैं? कोई मतलब नहीं ऐसा संयोजन करने से, समझ गए? यस आर नो? तो कौन सा लाभकारी होगा, ये वाला है ना, पहली। तो अतः यहां पर लिखेंगे, अतः सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन तब ही लाभकारी होता है जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। क्लियर दैट? है ना? क्या लिखेंगे आप? अब हम निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, और निष्कर्ष हमारा ये बोलता है, क्या बोलता है निष्कर्ष हमारा, अतः स्पष्ट है कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन तभी लाभकारी होता है, तभी लाभकारी होता है।
चलेगा, मतलब तो वही है, संयोजन तभी लाभकारी होता है या लाभप्रद होता है, भी लिख सकते हैं, लाभकारी होता है जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो। क्लियर? यस आर नो? चलिए ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।